मम्मी जी वो गलती से गिर गया था। हम उठा के थे। हर्षी अकेले है, यही अच्छा मौका है हर्षी को प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाने का। वो हम चाय लेकर आए आपके लिए। मुझे इन पेपर्स के बारे में पापा से कुछ डिस्कस करना। जी चाय पी लीजिए हर्षी। आप नीचे पूजा के लिए बुला रहे हैं? हाँ मैं भी। जानकी जी एक्चुअली मैं ये फाइल रख के आया। हम इन कपड़ों में ये पेपर रख देते हैं ताकि सच सबके सामने आ जाए। हमारे पास बस यही एक मौका है। भगवान ने चाहा तो हमारा काम हो जाएगा। कोई बात नहीं, इधर जी। और हाँ बेटा, वो पंडित जी की दक्षिणा का लिफाफा मैं कमरे में भूल आई हूँ, जाके ले आ। जी। हाल में से पेपर कहाँ गायब हो सकते हैं? हम लिफाफा लेने गए, इतनी देर में कौन हटा सकता है पेपर को? अरे ये हरे पत्तों में सूखे पत्ते किसने रख दिए? हाँ, जिस चीज का कोई काम नहीं है उसे तो फेंक ही देना चाहिए। नहीं जानकी, लगता है जानकी तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। अब तो गई तुम। हर्षी पहले से ही तुम पर शक कर रहे थे, ऐसे में यहां रहना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। बड़ी मुश्किल से वो पेपर हमारे हाथ लगा था, हमें वो हर हाल में हर्षी को दिखाना था, पर अब कैसे हर्षी को सच बता पाएंगे हम? ये भगवान रक्षा कीजिए हमारी, हम पूरे तरीके से फंस गए। वन्ना बेटा, बाहर जाके देख लो फूल वाला आया है क्या। थोड़े हरे फ्रेश पत्ते ले आना। भाभी के पीछे राजेश भैया क्यों गए? मम्मी जी ने उन्हें क्या इशारा किया? और वो पेपर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पेपर भी राजेश भैया ने छुपा दिए हो?
यहाँ तो कोई फूल वाला नहीं है, लेकिन भाभी भाभी कहाँ है? ये भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा राजेश भैया भाभी के पीछे क्यों गए थे, पर कहाँ जा सकती है भाभी? क्या हो सकता है? अगर इन लोगों को हमारे बारे में पता लग गया तो ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग वंदना भाभी पर शक कर रहे हो? ये भगवान, अब हम क्या करें? मुझे समझ नहीं आ रहा जानकी जी के दिमाग में चल क्या रहा है। जब भी उन पर विश्वास करने जाता हूं कुछ ना कुछ हो जाता है। मैं क्यों उनकी परवाह कर रहा हूं? भाभी, हे भगवान, भाभी तो यहां भी नहीं है। भाभी कहां जा सकती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनके बीच में कुछ तो बात हुई थी, मम्मी जी भैया के इशारों में दोनों के बीच में कुछ तो बात हुई थी, पर क्या बात हुई थी? जस्ट होप भैया ने भाभी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया हो। भाभी हम क्या करें? क्या कर रहे हैं हम? भाभी को कुछ नहीं हो सकता है। हमें किससे बात करनी चाहिए? रंगीरी से बात करते हैं। रंगीरी का तो फोन भी नहीं लग रहा है, क्या करें? समझाया था ना लास्ट बार कि मेरे रास्ते में मत आना, लेकिन क्यों? जो हर बार मेरे बीच में आती हो तुम? मैंने किया क्या राजेश? मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मुझे मार क्यों रहे? मैंने कुछ नहीं किया है। राजेश छोड़ो, राजेश मैंने कुछ भी नहीं किया। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है? बोलो। मैंने नहीं किया, प्लीज। ऐसे नहीं बताओगी ना तुम? भाभी, एक मिनट। हमें राजेश भैया के उनके एंगल से सोचना होगा। यहाँ नहीं है, सब जगह ढूंढ लिया तो कहाँ हो सकती है? स्टोर रूम तो रहे क्या? भाभी, यहाँ ताला लटका है, मतलब भाभी अंदर नहीं, वो अंदर भी हो सकती है। राजेश भाई ऐसा भी कर सकते हैं कि उन्हें बाहर से ताला लगा के उन्हें अंदर बंद कर दिया। अगर यहाँ होती तो जरूर जरूर कुछ बोलती। हे भगवान, प्लीज भाभी को बचाना, कुछ गलत ना हो जाए उनके साथ। क्या करें हम? एक जगह रह गई है, आउट हाउस का वहाँ का स्टोर रूम, वो भी हमें चेक करना चाहिए। क्या पता भाभी वहाँ मिल जाए। वो पेपर्स तुमने वहाँ रखे थे ना, ताकि मैं एक्सपोज हो सकूं। कौन से पेपर्स राजेश? क्या चाहती हो तुम? मेरा हक मुझे कभी ना मिले, बर्बाद हो जाऊं मैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, जानती हो क्या होगा? आई विल मेक योर लाइफ हेल। राजेश, राजेश मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बच्चों की कसम खा के बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। इतनी हिम्मत? बच्चों की भी छोटी कसम खाती है। राजेश मेरी बात सुनो, राजेश मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज प्लीज राजेश प्लीज छोड़ो मुझे। खबरदार, जो भाभी को हाथ लगाया तो ये मेरे वंदना के बीच का मामला है, तुम बीच में मत आना जानकी। और अगर हम बीच में आ गए तो क्या कर लेंगे आप? हाथ उठाएंगे हम पर? उठाइए, उठाइए ना। मुझे जो करना है मैं करूंगा, क्या करोगी? पुलिस बुलाओगी? जानकी मेरी बात सुनो, तुम इन सब चीजों में मत पड़ो, तुम जाओ यहाँ से। भाभी एक मिनट। वंदना सही कह रही है, बीच में मत पड़ो, समझी? एक बात बताओ जानकी, भूल गई क्या किया था तुम्हारे साथ? बिल्कुल नहीं भूली हूँ, और शायद आप भूल गए।
कि हमारी वजह से आपको इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाला गया था, याद है? याद है, याद है। उससे ज़बान मत लड़ाना, वरना को तो बाद में इलाज करूंगा, पहले तो आज तुझे। राजेश छोड़ हमारा हाथ। खबर तारचों में हाथ लगाया तो पूरे घर को यहाँ बुला देंगे, हर्षी को यहाँ बुला देंगे और वो हमें बचाने जरूर आएंगे। क्या हुआ, डर लग गया? क्योंकि आपको भी पता है कि अगर हर्षी यहाँ गए तो वो आपका क्या हाल करेंगे। और हाँ भैया, एक बात मत भूलिएगा, हम आपसे डरते नहीं हैं, इसलिए हमें हाथ लगाने की गलती भी मत कीजिएगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे अंजाम की धमकी मत दो, अंजाम की चिंता तुम करो। और बोलो मत, इस घर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। धक्के देकर कितनी बार तुम्हें इस घर से बाहर निकाला, हट जाओ हमारे बीच में से। अच्छा, हमारा लेना देना नहीं वो सब हम देख लेंगे, पर फिलहाल आप अपने बारे में सोचिए। अपनी पत्नी पर हाथ उठाकर आपने बहुत बड़ी गलती की है भैया। और एक बात आपको बता दें, एक आदमी एक औरत को 10 थप्पड़ भी मारे ना तो भी वो मर्द नहीं बन जाता, लेकिन अगर एक औरत सिर्फ एक थप्पड़ एक आदमी को मार देना तो उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, अब आप खुद यहां से जा रहे हैं या पूरे परिवार को यहां बुला दें? खत्म नहीं हुआ अभी। भाभी संभालिए खुद को, प्लीज प्लीज प्लीज, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। भाभी हम है ना भाभी, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। राजेश भैया से डरने की कोई जरूरत नहीं है, और कैसे इतना टॉर्चर सह सकते हैं भाभी? देखिए कुछ नहीं हुआ है, हम है ना, मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं होने देंगे आपको, हम है ना, संभालिए संभालिए। चलिए खुद को ठीक करिए, सब वहाँ वहाँ इंतजार कर रहे हैं आपको। चलिए चलिए भाभी आइए। बेटा हर्ष, अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले लो और फिर इस जल से स्नान करके यह वस्त्र धारण कर लो। जी पानी जी। ब्लेस यू, हम चाहते हैं तुम्हारी जिंदगी में सब अच्छा ही अच्छा हो, हमेशा खुश रहो बेटे। हम आ रहे हैं। मामा, वंदना भाभी और राजेश भैया किधर हैं? होंगे यही कहीं, बस आते ही होंगे। वंदना भाभी, बस बस बस, इसका मतलब राजेश भैया ने जो भी किया उसके बारे में मम्मी जी को सब पता है? ये चल क्या रहा है? वंदना भाभी, ये क्या हुआ आपको? आपके ये ठीक है, आपको चोट लगी क्या वंदना भाभी? ये आपके हाथ पे क्या हुआ है वंदना भाभी? कुछ कुछ नहीं हुआ है। नहीं, वो क्या, मुझे बताओ तो सही। अरे श्वेता जल्दी से दवाई ले आओ भाभी के लिए, वरना कैसे गिरी? आइस लेके आओ जल्दी से। क्या हुआ क्या आपको? हर्ष कुछ नहीं हुआ। वरना भाभी कैसे गिरी? कैसे लगी आपको इतनी ज्यादा चोट? कैसे चोट लगी बेटा? दादी पैर फिसल गया था ना, ध्यान नहीं दे पाई इसलिए गिर गई। आइए मैं आपको कमरे में लेके चलता हूँ, आप डॉक्टर को बुलाइए। हर्षी हम भाभी को लेकर जाते हैं। वरना भाभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ ना, आप मेरे साथ आइए, आपको जानकी जी की जरूरत क्यों? तकलीफ की क्या बात है हर्षी, भाभी के लिए कुछ भी करने में हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम इन्हें इनके कमरे तक ले जाते हैं। चलिए भाभी।
राजेश आपको तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। हम पानी देते हैं आपको। नाना भाभी आपने मुझे बताया नहीं कि आप गिरे कैसे थे। बताया तो था हर्ष, पांव फिसल गया था इसीलिए गिर गए। लेकिन मुझे लग नहीं रहा, आपके ये निशान देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं है हर्ष, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हारी पूजा है ना, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, पंडित जी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोलिए। राजेश हमने कितनी बार कहा है तुमसे ये सब काम इतने खुले में मत किया करो, इससे तुम्हारी सारी हरकतें एक दिन पकड़ी जाएंगी। माँ, ये जानकी आज बीच में आ गई, वो नहीं आती तो उस वन्ना को तो आज मैं। क्या? जानकी ने तुमको वन्ना को पीटते हुए देख लिया? हे भगवान, तुम जानते हो इससे क्या हो सकता है? इससे हमारी सारी सच्चाई सबके सामने आ सकती है। राजेश संभालो अपने आप को। भाभी आप ठीक है? अभी हमारी समझ में नहीं आता है कि क्यों आप राजेश भैया के टॉर्चर सह रही हैं, वो भी इतने सालों से, और आज क्यों मारा भैया ने आपको? पता नहीं आज उसने क्यों मारा, मैं नहीं जानती। वो किसी पेपर्स के बारे में बात कर रहा था। मैं नहीं जानती जानकी, मैं सच में नहीं जानती वो कौन से पेपर्स के बारे में बात कर रहा था। बस नाम टूटा था। लेकिन हमें सब समझ आ गया है। सॉरी वंदना भाभी, आपकी ये हालत हमारी वजह से हुई है, तो अब इसे ठीक भी हम ही करेंगे। समझ गई, हर्ष की शादी को लेकर दुखी है ना तू? मुझे भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बेटा। एक एक करके सारी रस्में होती जा रही हैं और इस शादी को रोकने के लिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। पर दादी, आप चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मैं क्या कर सकती हूँ? दादी आप हमारी मदद करेंगी, आखिरी बार अपनी बहू का छोटा सा काम करेंगी, प्लीज। तू पूछ मत बेटा, बस बता क्या करना है। देखना तेरी दादी तेरे लिए कुछ भी कर जाएगी। पक्का? पक्का। प्लीज आप कुछ भी करके ना ये शादी थोड़े दिन के लिए टलवा दीजिए प्लीज। क्या बात कर रही है तू जानकी? अरे राम और सविता इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे, और मैं क्या बोलूंगी उनसे? बेटा मैं समझ सकती हूँ कि एक लड़की अपने पति की दूसरी शादी होते हुए नहीं देख सकती। बेटा मैं भी नहीं देख सकती ये सब, लेकिन हमें सब्र करना होगा ये सोच के कि शायद हर्ष की किस्मत में यही लिखा हुआ है। हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। दादी आप ही कर सकती है, आप ही है जो इस शादी को आगे बढ़वा सकती है, हम जानते हैं दादी। और हम ये सब कुछ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम सब कुछ हर्ष के लिए तो कर रहे हैं। हमारे साथ की लड़ाई में ना हमें आपका साथ चाहिए दादी, और कोई नहीं है हमारा इस परिवार में जो हमारा साथ दे। प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज उनको कन्विंस करिए कि ये शादी थोड़े दिन के लिए आगे बढ़ जाए। प्लीज दादी और कुछ नहीं चाहिए दादी, सिर्फ इतना ही चाहिए आपसे। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।